अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट फैसल वसीम। यहाँ पे हम गुजरात आए हैं 14 अगस्त का आउटिंग के लिए। तो हम लोग घूम रहे थे तो ये पार्क में आए हैं। यहाँ पे सबने कहा वेलकम वेलकम, अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। तो हमने सोचा कि 14 अगस्त की गैदरिंग है, शायद हम अंदर आ गया है। तो फिर टिकट शिकट किसी ने कोई नहीं ली, और जो ग्रीन जड्डियाँ हैं थीम में तो सारा 14 अगस्त ही लग रहा है। चलो लेट्स सी के अंदर क्या हो रहा है, देखते हैं। काफ़ी लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब ने 14 अगस्त के हवाले से कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, झंडे पकड़े हुए हैं। तो चलो चल के देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की गैदरिंग है। शायद बिरयानियाँ भी पहुँचते हैं, रिफ्रेशमेंट में स्पीच भी बनानिया चाहिए। पाज की करिए और इसके ज़्यादा की हाल चाल है अलहमदुलिल्लाह। और बाबा सारे चिट्टा ना 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 बिस्मिल्लाह चले हो उनके अगे ला नहीं नहीं बाहर कर लिए के पाकिस्तान इज़ अ कंट्री फॉर विच पाकिस्तान Only those who can judge the true value of this noble creation himself has participated in building this country and sacrificed his wife, children, sister, brother and all his foundation. For the auspicious day of Islamic history, when Pakistan will be the unity of Muslims, dedication and hard work of Qaim Azam for the deeds that may independence of this country. The Hindus and British successfully campaigned once again the movement of Pakistan. But Alhamdulillah, Pakistan came into being. Pakistan had appeared on the map of the world. And that time there was only one slogan of Pakistan, Kamatlatya, La Ilaha Illallah. We have to love Pakistan, we admire the founders, the dreamers, the thinkers of Pakistan. We also pray for the masters who admired their lives and sacrificed their lives for this Pakistan. Pakistan peace is peace, but still it is our duty to make an stand for defending our motherland. May Allah make every Pakistani who live in this country. Amen. Pakistan Zindabad. ये थे हमारे भाई अली अब्दुल्ला जी माँ अस्पायर कॉलेज के होनहार तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद थे। बहुत खूबसूरत स्पीच की इस खूबसूरत दिन के लिहाज से आज का ये मेला ये तकरीब सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सेंटर ऑफ पंजाब शाहिद अख्तर चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी सैयद अदर हुसैन शाह साहब डिवीजन प्रेस क्लब के सदर डॉक्टर अरफान मुगल साहब जनरल सेक्रेटरी डिवीजन प्रेस क्लब अली अंजम मिर्जा साहब की जानिब से और डिवीजन प्रेस क्लब गुजरात की जानिब से ये खूबसूरत तकरीर का इनका किया जा जिसमें तमाम सहाफ़ी
जैन सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ वो स्टेज पर आ जाए। कौमी नगमा जैन सैयद साहब से गुजारिश करूँगा स्टेज पर आ जाए जल्दी से आ जाइए। मौसम खराब हो रहा है, जरा जल्दी करें। जैन सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ जरा जल्दी से स्टेज पर आ जाए। ऐरा है हक के शहीदों